अगरतलामां एक रेलीमां जणाव्युं के आजे वातावरण बीजेपीना पक्षमां छे, कारण के त्रिपुरामां लोको तेमनी सामे आंखे विकास जोई रह्या छे। त्रिपुरा विधानसभानी चूंटणी 2023 वडाप्रधान नरेन्द्र मोदीए त्रिपुराना अगरतलामां स्वामी विवेकानंद मैदानमां जाहेर सभामां हाजरी आपी हती। कोंग्रेस डाबेरीए त्रिपुराने तबाह करशे, पूर्ण बहुमतीवाळी सरकारनी जरूर छे, पीएमए कह्युं। आ चूंटणीमां ज्यां पण जवानी तक मळी छे, मैं जोयुं छे कि त्रिपुराना लोको फरी एकवार भाजपनी सरकार बनाववानुं मन बनावी लीधुं छे। रोड शो पण तेमणे कर्युं हतुं अने त्रिपुरामां शांति कायदानुं शासन स्थापित कर्युं छे। ए हकीकत परथी स्पष्ट थाय छे कि चूंटणी प्रचार दरमियान पक्षोना झंडा देखाय छे। अगाउना समयमां ज्यारे मात्र एक ज पक्ष हतो, एनाथी विपरीत डबल एंजिन सरकार माटे तपासनी साथे खुशी पण बमणी थई छे। त्रिपुराना युवानो माता बहेनो फरी एकवार रेड कार्ड बताव्युं छे अने दरेकना समर्थन अने विकासनी साथे तेओ आज सरकार इच्छी रह्या छे। तेमणे कह्युं કે ડાબેરી શાસને ત્રિપુરાને વિનાશના માર્ગે ધકેલી છે। ત્રિપુરાના લોકોએ અહીંયાની સ્થિતિ ધ્યાને રાખી ક્યારેય ભૂલી શકતા નથી। ડાબેરીઓએ ત્રિપુરાના લોકોને પોતાના ગુલામ માનતા હતા, હવે ત્રિપુરામાં ભાજપનું ડાયમંડ મોડલ ચાલી રહ્યું છે। વડાપ્રધાન મોદીએ વધુમાં કહ્યું કે વાતાવરણ ભાજપની તરફેણમાં છે, કારણ કે ત્રિપુરાની જનતા વિકાસ જોઈ રહી છે। ત્રિપુરામાં એવું કોઈ પરિવાર નથી કે જેની ભાજપ સરકાર સામેથી સેવા ન કરી હોય। આ વખતે ત્રિપુરાના લોકોના આશીર્વાદ મળી રહ્યા છે। ત્રિપુરાના લોકોએ ફરી એકવાર ભાજપને જીતાડવાનું મન બનાવ્યું છે। जब भी मैं त्रिपुरा के लोगों के बीच आता हूं, आपका प्यार, आपका उत्साह और आपका आशीर्वाद लगातार बढ़ता ही जाता है। आज भी मैं रास्ते में आया, कोई रोड शो तो था नहीं, लेकिन इतनी बड़ी मात्रा में लोग थे कि मुझे यहां पहुंचने में ही देर हो गई। इस बार भी त्रिपुरा के लोगों का, यहां की माताओं बहनों बेटियों का जितना आशीर्वाद मिल रहा है वो अभूतपूर्व है। जितना अच्छा किसी को अपने परिवार के सदस्यों के बीच आकर लगता है, उतना ही अच्छा मुझे भी आपके बीच आकर के लग रहा है। इस चुनाव में मुझे जहां भी जाने का अवसर मिला है, मैंने देखा है कि फिर एक बार बीजेपी की सरकार बनाने का मन त्रिपुरा के लोगों ने बना लिया है। और डबल इंजन सरकार के लिए आपका समर्थन देखकर मेरी खुशी भी डबल हो गई है। आज पूरा त्रिपुरा एक साथ कह रहा है, चारों तरफ एक ही गूंज सुनाई दे रही है, फिर एक बार। साथियों, त्रिपुरा के युवाओं ने, माताओं बहनों ने चंदा और झंडा ये कंपनी वालों को फिर से रेड कार्ड दिखा दिया है। त्रिपुरा के लोगों ने ऐलान कर दिया है उन्हें सबका साथ सबका विकास वाली सरकार चाहिए, पूर्ण बहुमत वाली सरकार चाहिए। साथियों, आज भाजपा के पक्ष में, डबल इंजन सरकार के पक्ष में माहौल इसलिए है क्योंकि त्रिपुरा के लोगों को विकास आंखों के सामने दिख रहा है। त्रिपुरा में आज ऐसा कोई परिवार नहीं है जिसकी भाजपा सरकार ने आगे बढ़कर के सेवा न की हो। इसलिए आज
त्रिपुरा का हर परिवार बदलती परिस्थितियों को अनुभव कर रहा है। महाराज राधा किशोर माणिक्य बहादुर जी और गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने जो रास्ता दिखाया, उसी आधार पर भाजपा ने त्रिपुरा को सुशासन दिया है। ये लोग ऐसा समाज चाहते थे जहां भय का, डर का, हिंसा का मा...